ता सुनील सिंह साजन। सर, एक आदेश आया है योगी सरकार का कि दुकानों पे नाम लिखे जाएं। पिछले दिनों जिस तरह से वीडियो तमाम वायरल हुए, गंदगी जिस तरह से परोसी गई लोगों को, उसको लेकर कहा गया है कि दुकानों में नाम लिखें, साफ सफाई रखें और CCTV लगाएं। किस तरह से समाजवादी पार्टी इस आदेश को देखती है? देखिए, जिस तरीके के वीडियो हमने, आपने या सबने देखे हैं, वो वीडियो मन को विचलित करते हैं। उससे ज़्यादा नीच काम कोई नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा घृणित काम कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। ये अच्छी बात है कि सरकार कम से कम 7-7.5 साल बाद जागी है नींद से और कह रही है कि अब स्वच्छता का ध्यान रखें, CCTV कैमरा लगाएं। अच्छी बात है, जो बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़े होटल हैं, CCTV कैमरा लगाएं, जो किचन में कैमरा लगे, बनाने वाले के हाथ में ग्लव्स हो, मुंह पे मास्क हो, ये अच्छी बात है। लेकिन जो ठेले लगाते हैं, कुलचे लगाते हैं, जो शाम को मार्केट में दुकान लगाते हैं, वो CCTV कैमरा कहाँ से लाएंगे? तो व्यवहारिक बात करें, अगर सरकार स्वच्छता चाहती है, अच्छा खाना पीना मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कहीं मिलावट ना होने पाए। और UPA 1 की जब सरकार थी तो कांग्रेस की, तब उन्होंने ये जारी किया था कानून कि जो रेस्टोरेंट होंगे रजिस्ट्रेशन कराएंगे और मालिक का नाम होगा और सर्टिफिकेट में होता है। अब योगी जी दीवाल में बड़ा बड़ा नाम चाहते हैं, उसके बाद जाति और धर्म के नाम पर ये चाहते हैं कि पिछड़े, दलित और जो मुसलमान हैं वो आर्थिक रूप से टूट जाएं, उनकी दुकान न चले। आज भी इस देश में हम लोग नहीं चाहते कि जातिवाद रहे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुनील सिंह साजन।